जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HLT की जीके चैनल पर। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करें। वर्ष 1920 में एंटवर्प में आयोजित 7वें ओलंपिक खेलों में 5 छल्लों से मिलकर बने ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम या प्रथम बार खेल के मैदान में फहराया गया। बिना किसी किनारे के सफेद रेशम से निर्मित ध्वज पर अंकित 5 छल्ले जो 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं तथा दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्टिन ने स्वयं प्रस्तावित किया था। छल्लों के रंग निम्न महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे नीला छल्ला यूरोप को, काला छल्ला अफ्रीका को और लाल छल्ला अमेरिका को और पीला छल्ला एशिया को और हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 जो है वो यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, देखिए, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, इनमें से कौन सा मेल सही है? आपको सही इसमें ढूंढना है, इनमें से सही कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीला एशिया, यानी जो पीला रंग है वो पीला छल्ला है वो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी यही सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही आपको ढूंढना है। 1900 ईस्वी पेरिस, या फिर 1920 में एंटवर्प, या फिर 1912 स्टॉकहोम, या फिर 1908 लंदन। तो आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया? जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1920 एंटवर्प। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था, बहुत आसान सवाल है। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 5। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध 5 महाद्वीपों से है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। जी हाँ, ओलंपिक झंडे का रंग होता है लाल होता है या सफ़ेद होता है या हरा होता है या नीला होता है? ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि सफ़ेद होता है। ओलंपिक झंडे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जी हाँ, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था कि ओलंपिक झंडे जो है, ओलंपिक झंडे के जो छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो बहुत सही ऑप्शन है महाद्वीप, ये महाद्वीप को दर्शाते हैं। और प्रश्न नंबर 13 की बात करें, जी हाँ, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन है यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था। तो है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन एक बार अभ्यास कर लिया करें तो ज़्यादा ठीक है। 5, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, ओलंपिक प्रतीक में चक्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। तो यही बताना है कि
ओलंपिक प्रतीकों में चक्रों की कुल संख्या कितनी होती है? वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है, 5 होगा वही, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की, जी हाँ, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले या घेरे 5 महाद्वीपों को 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं जो हैं, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यही बताना है, ठीक है ना। इसलिए एक बार अभ्यास कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये होगा इसका डी ऑप्शन, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। ये KBS TGT परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा अभ्यास ना करने की वजह से ऐसे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका संकेत करते हैं? ठीक है, ये राजस्थान PTI ग्रेड सेकेंड परीक्षा 2011 में पूछा गया था। बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो ये 5 महाद्वीपों को संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ये राजस्थान PTI ग्रेड सेकेंड परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एशिया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।